वैशाली जी, जब आपको ये अवार्ड की प्रोसीजर जो आपको करनी पड़ी नॉमिनेशन के लिए, आपको लगता है कि वो बहुत लेंदी थी, आपको टाइम कंज्यूमिंग थी? नहीं मैम, लंबी ऐसा नहीं लगा, काफ़ी अंदर से नर्वसनेस थोड़ी ज़्यादा थी उस टाइम पे, क्योंकि नॉमिनेशन में फर्स्ट फॉर्म भरने के बाद ये पता चला कि सिलेक्टेड नॉमिनेशन कैंडिडेट्स को ये प्रोसेस करना है. पर जब वो प्रोसेस शुरू हुआ, सो वो प्रोसेस एक कैंडिडेट को जज करने में, जूरी के लिए जो एक इंसान की स्ट्रेंथ और स्किल्स जजमेंट लेने के लिए जो टाइम चाहिए, उतना टाइम जरूरी था ऐसा वो लगा. तो इट वॉज नॉट एट ऑल लेंथी प्रोसेस फॉर द अवार्ड्स. थैंक यू. आपको जब अवार्ड अनाउंस हुआ और आपका नाम जब गवर्नर श्री के सामने आपका नाम अनाउंस हुआ, तो आपको कैसी फीलिंग लगी थी? मैम वंडरफुल, मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगी क्या वो फीलिंग थी. गुजरात में फर्स्ट टाइम एक गवर्नर श्री के हाथों से एलिमेंट्री प्रिंसिपल का अवार्ड लेना, वो बहुत एक खुशी का मोमेंट था. देर वॉज अ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, येस यू कैन, यू हैव इट इन यू एंड यू गॉट इट. सो इट इज वंडरफुल फीलिंग विच आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स एक्चुअली. ओके गुड. अवार्ड मिलने के बाद व्हाट आर द चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल, इन योर लाइक यू नो एकेडमी डेवलपमेंट एंड योर स्कूल डेवलपमेंट? यस मैम, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बूस्ट रहा, बिकॉज एक मोटिवेशन था कि आप जो दिशा में काम करना चाह रहे हो बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, तो वो सही दिशा है और वो आप कर सकते, यू कैन एंड आई कैन वाला जो फीलिंग थी वो बहुत स्ट्रांग आनी शुरू हुई. उसके बाद जो एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया इन टर्म्स ऑफ कि जब एक पीछे से अप्रिशिएशन मोटिवेशन एक दुनिया के साथ सेलिब्रेट हो जाता है, तो आपके कंधों पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि आपने ये एक माइलस्टोन अचीव किया है, पर देर आर मेनी मोर एंड उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको आगे बढ़ाना, वो मैंने अपने अंदर जगाया कि नहीं, आपके अंदर है और आप कर सकते हो, और आपके साथ जो टीम है टीचर्स की, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये किसी और को पास ऑन करूं और उसके अंदर की ये स्ट्रेंथ और स्किल्स बाहर कैसे आए और उसको मैं ये मोटिवेशन कैसे करूं, उसके लिए मैंने अपना काम शुरू किया. जो मेरी टीम है आनंद कीर्तन में, उस टीम के साथ मैंने इस तरीके से काम करना शुरू किया कि मैं इनको आगे कैसे बढ़ा सकती हूँ, इनकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकती हूँ. मेरे जो आसपास के बच्चे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी पैशनेट चीज है बच्चे, बच्चों के लिए क्या क्या चीजें हम क्लासरूम लेवल तक ले जा सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे खुद अपने आप को भी उस लेवल पे अपग्रेड करना पड़ा एक एकेडमिक लेवल पे ले जाने के लिए, और वो चीज कंटिन्यू है मैम अभी भी. वेरी गुड. बट मैंने देखा है कि जब आपको ओपन पेज के अवार्ड के बाद बहुत सारे अवार्ड मिलना शुरू हो गए हैं, सही बात है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल. रिसेंटली अभी प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया, जो दिल्ली में ऑल ओवर इंडिया में से गुजरात से 4 प्रिंसिपल्स थे, वन ऑफ मी, और ऐसे बहुत सारे 1-to-1. सो जो 3 साल की जर्नी रही उसमें काफी सारे अवार्ड्स भी मिले और अप्रिशिएशन फॉर द स्कूल आल्सो. वी विश दैट और भी आपको बहुत सारे अवार्ड मिले. अवार्ड से आपको मतलब प्रोफेशनली भी आप आगे बढ़ गए हो लग रहा है, और पर्सनली भी आप आगे बढ़ गए हो? यस मैम, हाँ जी बिल्कुल. प्रोफेशनली पहले एक था कि खुद को एक लिमिटेशन में बांधा हुआ था, एक कंफर्ट जोन में और लिमिटेशन में था कि आप इतना ही कर सकते हो, पर ये जो चीज अवार्ड मिलने के बाद वो बंधन टूट गया, वो लिमिट टूट गया. फिर अपने आप को वो ढूंढना कि आपके अंदर ये चीज है तो इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, exactly. वो चीज ज्यादा हेल्पफुल रही. अवार्ड मोटिवेशनल फैक्टर के लिए तो काम तो आपको आया ही है जो आप बता रहे हो. आप ये मैसेज दूसरे एजुकेटर्स को कुछ बताएंगे उनको? बिल्कुल. मोटिवेशन काम करता है, अप्रिशिएशन काम करता है, पर वो एक थोड़े समय पे करेगा. उसके बाद आपको 3 चीजें बहुत मैं पर्सनली फील करती हूँ. एक है डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स योर पैशन. इफ दीज 3 थिंग्स वर्क टुगेदर तो आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं पाता. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अभी आपको एक अच्छा मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि भाई हमारे जितने विनर्स हैं उसमें से हर साल हम 2 या 3 विनर्स को हम जूरी बनाते हैं. सो विल यू बी अ जूरी फॉर आवर 4th एजुकेटर अवार्ड?
Yes, ma'am, it will be my pleasure to be a jury of the award ceremony, absolutely. Okay, so you are prepared for as a jury, okay. Yes. ये जो हमारी jury round है, shortlisted से हम jury तक पहुँचते हैं, ये जो हमारी procedure है, वो बिल्कुल सही है या कुछ उसमें सुझाव आप कुछ दे सकते हो? Ma'am, जो प्रोसीजर है वो तो बिल्कुल सही है उसमें जैसे एक चीज हो सकती है पर इस साल से शायद आपने वो शुरू किया है जो वीडियो आप क्लासरूम का मंगा रहे हैं क्योंकि जब हमारे समय पे दो इसमें ये चीज नहीं थी कि कंक्रीट कुछ काम बताना तो वो पेपर वर्क के अलावा और ज्यादा कुछ नहीं था पर ये जो चीज अभी वीडियो वाली जो हां इंट्रोड्यूस की है वो बहुत अच्छी है क्योंकि उससे काफी चीजें एक क्लासरूम में एक टीचर का बच्चों के साथ कैसे कनेक्शन हो रहा है उसका डिलीवरी कैसे हो रहा है उसका एनवायरनमेंट कैसा है बच्चों का उसके साथ रिलेशनशिप कैसा है ये चीज जज करने में बहुत आसानी होगी राइट सो वैशाली हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हम चाहते हैं आप और अवार्ड प्राप्त करें और खूब आगे बढ़े अभी आपकी उम्र है खूब आगे बढ़ने की और विश यू ऑल द बेस्ट धन्यवाद and we are looking forward to become a jury for this Educator award thank you so much thank you for open page for giving me such a beautiful platform thank you